जय हिंद दोस्तों मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम जो चैप्टर लेके आए हुए हैं महाद्वीप महाद्वीप का पहला पार्ट आपने देख लिया है ये दूसरा पार्ट है आइए बात करते हैं इकतालीसवें चालीस प्रश्न आपने देख लिया था अब बात करते हैं इकतालीसवें प्रश्न की तो इसमें क्या लिखा है निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है ए अम्मान जॉर्डन यानी जॉर्डन की राजधानी क्या है अम्मान है बिश्केक ताजिकिस्तान यानी यहाँ पर यह कह रहा है कि क्या बिश्केक ताजिकिस्तान की राजधानी है तो दोस्तों ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशान बे तो यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा यानी इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है तो यही वाला यानी आंसर हो जाएगा बी अब यहाँ बात कर लेते हैं मंगोलिया राजधानी है उलान बटोर बिल्कुल सही है यमन की राजधानी है साना तो ये भी सही है यानी लगभग इसमें देखा जाए तीन तो सही दिया एक गलत दिया तो यानी इसमें यही पूछा है कि जो सुमेलित नहीं है तो कौन सा आंसर हो जाएगा बी बयालीसवा प्रश्न देखते हैं विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं तो विश्व के जो दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं वो कौन से हैं तो आपको पता है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है फिर अफ्रीका है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका अंटार्टिका उसके बाद है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तो यहां पर ऑप्शन में क्या दिखा है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वो है ऑप्शन पे सी सी नंबर पे है यानी इसका आंसर हो जाएगा सी तिरालीसवा प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है इसमें कौन सुमेलित नहीं है आइए बात करते हैं देखिए बूढ़ा यानी हंगरी की राजधानी बूढ़ा है तो बिल्कुल सही है क्राइस्टर चर्च यानी क्राइस्ट चर्च जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है यह बिल्कुल गलत है केन्या यानी जायरे की राजधानी कांगो की राजधानी किन्सासा है बिल्कुल सही है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बी यानी न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन होना चाहिए ना कि क्राइस्ट चर्च अब बात करते हैं चौवालीसवें प्रश्न की सूची एक को सूची दो से मिलान करना है तो दोस्तों इसमें देखिए राजधानियों का मिलान करना है यानी कौन सी राजधानी है इसमें ठीक है तो देखिए विंडहाक किसकी राजधानी है तो नामीबिया की राजधानी है विंडहाक किसकी राजधानी है नामीबिया की अगर अंकारा की बात करें तो किसकी राजधानी है नैरोबी किसकी दोस्तों तो यह है केन्या की नैरोबी है केन्या की जाम्बिया की बात करें तो जाम्बिया की राजधानी है लुसाका और अकरा की बात करें तो घाना की राजधानी है अकरा तो यानी ए का टू बी का ए का टू बी का थ्री सी का वन तो इसमें देखा जाए ए का टू यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ए का टू बी का थ्री सी का वन डी का फोर ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं पैंतालीसवें प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है इनमें वो छाटना जो किसी देश की राजधानी नहीं है तो जैसे कैनबरा किसकी राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की वेलिंगटन किसकी राजधानी है न्यूजीलैंड की रियाद किसकी राजधानी है सऊदी अरब की सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है तो आंसर हो जाएगा बी छियालीसवा प्रश्न है महाद्वीप कैसे अलग हुए अब ये बताइए कि महाद्वीप कैसे अलग हुए थे यहाँ पर क्रिया बताना है ज्वालामुखी फूटने से विवर्तनिक क्रिया से या चट्टानों के वलन से भ्रंशन से उपयुक्त सभी से तो दोस्तों इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा यानी दो प्लेटों के आपस में टकराने से या तो खिसकने की वजह से महाद्वीपों का निर्माण हुआ है सैतालीसवा प्रश्न संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है तो संसार का जो सबसे आदर महाद्वीप कौन सा है एशिया यूरोप उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका तो वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और दोस्तों इसी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अमेजन का जंगल है ठीक है अब बात करते हैं अड़तालीसवें प्रश्न की अंध महाद्वीप है एशिया ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका या यूरोप तो अंध महाद्वीप किसे कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को उनचासवा प्रश्न है सन सिटी अवस्थित है यानी सन सिटी कहां पर है किसे हम सन सिटी कहते हैं इटली में जापान मैक्सिको दक्षिण अफ्रीका तो वो है दक्षिण अफ्रीका में पचासवा प्रश्न है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है ठीक हाँ है।, है।, है? है।, है तो देखिए दोस्तों कनाडा का जो सबसे बड़ा नगर हो जाएगा वो हो जाएगा टोरंटो हो जाएगा यानी ए का थ्री ठीक है और बी का जो हो जाएगा ग्रीस ग्रीस कहां पर है सबसे बड़ा शहर है उसे हम बोलते हैं उसके बाद नाइजीरिया का जो सबसे बड़ा शहर हो जाएगा लागोस और सीरिया का तो दमस्कस जिसे हम दमिश्क कहते हैं जो सीरिया की राजधानी है तो यानी यहाँ पे मिलान के हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी अब बात करते हैं इक्यावन में प्रश्न की क्षेत्रफल के दृश्य से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में यानी सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा ठीक है ना तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा कि अब यहां ये देखना है कि ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत ये तो नहीं होगा तो ऐसे देखते हैं ब्राजील, भारत, इसका? है। कौन सा के उत्तरी दक्षिणी और पूर्व पश्चिम गोलार्ध में स्थित है तो वो कौन सा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप तिरपन प्रश्न है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया एवं जनसंख्या यानी क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के मामले में अफ्रीका महाद्वीप सबसे दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और पहले नंबर कौन है एशिया महाद्वीप जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है 54 है 54 है प्रश्न यानी सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है एशिया यूरोप उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका महाद्वीप तो अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा देशों वाला सबसे अधिक देशों वाला देश है फिफ्टी फाइव है कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तो दक्षिणी गोलार्थ में जो स्थित है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी आंसर हो जाएगा सी प्रश्न है कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है यानी किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है इसका आंसर क्या हो जाएगा यानी यूरोप महाद्वीप आंसर हो जाएगा इसका यूरोप महाद्वीप में किस महाद्वीप में सरिश्रीप नहीं पाए जाते हैं तो किस महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में अंटार्कटिका में दक्षिण अमेरिका या यूरोप में तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप जहाँ कोई इंसान जाना पसंद नहीं करेगा ठीक है तो वहाँ पर सांप भी नहीं पाए जाते हैं फिफ्टी एट है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है आंसर हो जाएगा बी यानी केप अगुलहास ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है फिफ्टी है विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है तो सर्वाधिक जो विस्तार पाया जाता है वो एशिया यूरोप उत्तरी अमेरिका अफ्रीका यानी इसका आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप सिक्सटी प्रश्न है यानी तो साठवां प्रश्न है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं तो किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को एशिया यूरोप या अफ्रीका महाद्वीप को तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है इक्कीसवा प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों परसिति, का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय जो परिस्थिति होती है वो कहाँ पर है सबसे अधिक अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप में बासठवा प्रश्न है निम्नलिखित में किस महाद्वीप में अनात्रिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप एशिया उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी यानी अफ्रीका महाद्वीप तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी यूरोप महाद्वीप क्या हो जाएगा इसका आंसर यूरोप महाद्वीप तिरसठ प्रश्न है निम्नलिखित में से किन देशों की मालदोवा के साथ साथ साझी सीमा नहीं है यानी मालदोवा के सीमा से कौन सा इसमें जो देश है वो लगी हैं तो इसमें जो आंसर हो जाएगा यूक्रेन और रोमानिया ये दोनों देशें देश, देश जो हैं वो मालदोवा से लगे हैं आंसर हो जाएगा ए अब यहाँ बात करते हैं सिक्सटी फोर्थ प्रश्न की चौंसठवें प्रश्न की चौंसठवा प्रश्न है अजमान संयुक्त अरब अमीरात की सात महा अमीरातों यानी सात द्वीपों में से एक है तो बिल्कुल सही है दूसरा है रसल खैमा संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ने वाला अंतिम शेख राज्य था तो ये भी सही है तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी एक और दो, दोनों आंसर हो जाएगा सी पैंसठवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है तो आंसर देखिएगा इसमें कोटा भारू कुवाला, टेरंगानू या पुत्रा जाया टाइपिंग तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी पुत्राजाया सिक्सटी सिक्स प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कॉन फ्रांस डावोस डेनमार्क तो इसका मतलब यह है कि कौन सा शहर किस देश में है उसको हमें बताना है ठीक है ना इस पर विचार करना है जो गलत जो सही है उसको वहाँ पर टिक मार करना है तो देखिए इसमें जो फ्रांस के आ, कान जो है वो फ्रांस में है डेनमार्क में डावोस नहीं है नीदरलैंड में रोलागारो भी नहीं है तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो वन हो जाएगा यानी एक तो ए सही है सिक्सटी सेवन प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है उत्तराखंड में आर्कटिक में हिमालय में या अंटार्कटिका में तो इसका आंसर हो जाएगा डी अंटार्कटिका में सिक्सटी एट है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है इसमें कौन सी एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप महाद्वीप की है तो आल्पस हिमालय एंडीज या रॉकी अब ऐसे समझिएगा कि हिमालय कहाँ पर है हिमालय है एशिया में एंडीज कहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका में रॉकी कहाँ पर है उत्तरी अमेरिका में आल्पस कहाँ पर है यूरोप में तो आंसर हो जाएगा ए यानी यूरोप महाद्वीप यानी आल्पस उनहत्तर प्रश्न है महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है तो गोल्डन यानी सुनहरा के नाम से किसे जाना जाता है तो यूरोप एशिया अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है ये हमारे चैप्टर का सत्रहवा प्रश्न है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है एशिया में अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अफ्रीका महाद्वीप में एटलस नामक पर्वत है दोस्तों ये रहा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यानी कि बहुकल्पी प्रश्नोत्तर है ये चालीस पहले चैप्टर में तीस इस चैप्टर का दोस्तों ये सत्तर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है आप लोग देखिएगा ज़रूर और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत